और इसी बीच बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत को जीत के लिए 3 रन चाहिए। भारत को जीत के लिए 3 रन चाहिए। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, भारत के साथ जो मैच चल रहा है उसमें ताजा अपडेट हम आपको दे रहे हैं, जहां भारत को जीत के लिए महज 3 रन चाहिए। तो ब्रिस्बेन टेस्ट की टीम इंडिया आज शानदार प्रदर्शन कर रही है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हराया है। ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की है। गिल पंत पुजारा ने अर्धशतक जड़ा है। तो बड़ी खबर आपको बता रही है, भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से हरा दिया। ताजा अपडेट, ऑस्ट्रेलिया में भारत ने 2-1 से जीत दर्ज की है। गिल पंत और पुजारा ने अर्धशतक जड़ा है। 32 साल बाद ब्रिस्बेन ने ये रिकॉर्ड दिया है। तो भारतीय टीम ने एक शानदार प्रदर्शन किया है। जो 32 साल का रिकॉर्ड है वो टूट गया है। गिल पंत पुजारा ने अर्धशतक जड़ा है। दरअसल 32 साल बाद ब्रिस्बेन में ऑस्ट्रेलिया की हार हुई है। ब्रिस्बेन टेस्ट में टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन करते हुए जीत को अपने नाम कर लिया है। और ये मैच कितना दिलचस्प रहा, इसका ताजा अपडेट जानने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी शोभित शर्मा लाइव जुड़ गए हैं। शोभित, आपसे जानना चाहेंगे ये जो मैच रहा वो कितना दिलचस्प रहा और भारतीय टीम ने किस तरीके से अपना प्रदर्शन किया जो 32 साल बाद ये रिकॉर्ड बना पाई है भारतीय टीम। देखिए, बिल्कुल इस जीत के लिए टीम इंडिया की जितनी भी तारीफ की जाए वो कम होगी। भारतीय बल्लेबाजी गेंदबाजी को लेकर जितनी भी आप तारीफ करेंगे वो कम होगी। एक ही शब्द हम कहना चाहेंगे कि शानदार, लाजवाब, जिंदाबाद। टीम इंडिया ने जिस तरह से ऑस्ट्रेलियाई सरजमी पर इस बार खेल दिखाया है वो बिल्कुल काबिले तारीफ है। जिस तरह से जो सीनियर्स खिलाड़ी टीम में नहीं थे, बॉलिंग लग रहा था कि कमजोर है, बहुत मुश्किल होगा टीम इंडिया को टेस्ट बचाना, लेकिन उसने टेस्ट बचाया नहीं, यहां पर जीत हासिल की है। और जिस तरह से 32 साल बाद ब्रिस्बेन में टीम इंडिया ने जो प्रदर्शन किया उसकी बदौलत 32 साल में पहली बार ये मौका आया है जब ऑस्ट्रेलिया हारी है, और जिस तरह से हार का स्वाद चखाया है, वाकई में ये हार जो है ऑस्ट्रेलिया लंबे समय तक भूलने वाली नहीं है। जीत के साथ ही भारत ने जो टेस्ट सीरीज है वो 2-1 से अपने नाम कर लिया है। इस टेस्ट में भारतीय टीम के निश्चित रूप से कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने अहम भूमिका निभाई। शुरुआत में गिल जब आज सुबह आए थे, मुकाबला शुरू हुआ था, 5वें दिन का खेल था, जिस तरह से वो पिच पर आए, रोहित शर्मा आए, शुरुआत में जब 18 रन भारत का स्कोर था और जिस तरह से रोहित शर्मा के रूप में भारत को पहला झटका लगा, लेकिन इसके बाद जिस तरह से संभल के बल्लेबाजी की, गिल ने, शुभमन गिल ने जिस तरह से खेल दिखाया, आक्रामक शॉट्स खेले उन्होंने, अपनी पारी में 8 चौके 2 छक्के लगाए, 91 रन की इनिंग खेली, उसने कहीं ना कहीं एक सेटअप तैयार किया। उसके बाद जरूरी था कि दूसरे छोर पे कोई ना कोई ऐसा खिलाड़ी खड़ा रहे, चाहे वो राहणे हो या पुजारा हो, तो वो काम पुजारा ने बखूबी किया। उन्होंने 200 से ज्यादा गेंदें खेली, 8 जड़ा, हालांकि उनका जो खेल की रफ्तार थी बहुत ज्यादा तेज थी, लेकिन उस मौके पर जरूरी था कि कोई खिलाड़ी टिका रहे बस। और दूसरी छोर पर पंत, जिस तरह से आपने देखा होगा कि पिछले टेस्ट में जिन्होंने खेला उस टेस्ट में 97 रन की पारी खेली, ऐसा लगा कि जहां पे वो पारी खत्म करके गए तो उन्होंने वहीं से उस पारी को शुरू किया। हालांकि शुरुआत में कुछ एक मौके उनको मिले, लेकिन उसके बाद उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, अपने खेल को आगे बढ़ाया वाकई में, और फिर अपनी टीम को जिताकर ही वो वापस पवेलियन लौटे। उन्होंने 85 रन की जो नवाज पारी खेली वाकई में, पंत इस मैच की अगर कहा जाए कि असली हीरो है तो ये कहना भी गलत नहीं होगा। हालांकि शुभमन गिल है, पुजारा है, जिस तरह से वाशिंगटन सुंदर ने
जब आए उसके बाद मयंक तिवारी, वो मयंक आउट हुए, उसके बाद मयंक के आउट होने के बाद जिस तरह से सुंदर ने खेल दिखाया, आक्रामक शॉट खेले, 6 जड़ा 4 जड़ा, तो कहीं ना कहीं उन्होंने गेम को पेस दिया। एक वक्त लग रहा था हो सकता है कि अब इंडिया ड्रॉ की ओर जाए, लेकिन उस तरह का खेल भारत ने छोड़ा नहीं, उसी रफ्तार से भारत आगे खेलती चली गई और आखिरकार टीम इंडिया ने इस मैच को 3 विकेट से अपने नाम कर, 19 गेंदें शेष रह गई थी, 19 गेंदें शेष रहते हुए 3 विकेट से भारत ने यह मुकाबला अपने नाम किया और इसी के साथ भारत ने यह टेस्ट सीरीज 2-1 से अपने नाम कर ली। बुशरा, वाकई में ये मैच जो रहा वो काफी दिलचस्प रहा और 32 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर टूट गया है। जाहिर सी बात है भारत में हर कोने कोने पर जश्न का माहौल तो होगा ही, उस पर भी हम अपडेट आपसे लेंगे, लेकिन कुल मिलाकर इस पूरे मैच पर अगर नजर डाली जाए और कहा जाए तो मैन ऑफ द मैच कौन रहा, यानी परफॉर्मेंस के आधार पर अगर आकलन किया जाए सबसे अच्छी परफॉर्मेंस पूरे मैच में किन किन की नजर आई? देखिए बुशरा, जिस तरह से पंत ने खेल दिखाया है बिल्कुल काबिल तारीफ। अभी कुछ ही देर में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड सेरेमनी होगी, मैन ऑफ द सीरीज की जब बात आएगी तो अभी मैच, चूंकि अभी मैच खत्म ही हुआ है, अभी सभी खिलाड़ी पेवेलियन वापस गए हैं, अभी जश्न चल रहा है, कुछ देर बाद जब सेरेमनी होगी उसके बाद पता चलेगा कि मैन ऑफ द मैच कौन रहेगा, मैन ऑफ द सीरीज कौन रहेगा। लेकिन जिस तरह से आप देखेंगे बुशरा, ये पूरी सीरीज घटी है, जो भारतीय टीम में जिस तरह से विराट कोहली चले गए थे, शुरुआत में रोहित शर्मा नहीं खेल रहे थे, उसके बाद भारतीय टीम जो है चोट से जूझ रही थी, आर अश्विन नहीं थे आपके पास, रवीन जडेजा नहीं थे जी। उसके बावजूद इस तरह का खेल दिखाना, कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भारत की अब आप देख रही कि जो यंग ब्रिगेड है, भारत अब मैच जो है छोड़ना या बचाना नहीं, भारत मैच जीतना जान गया है। जिस तरह से भारत ने प्रदर्शन किया है, आप मतलब इस तरह की कल्पना आप पहले नहीं कर सकते थे। और मैं आपको पुष्प बता दूं कि भारत का ये तीसरा हाईएस्ट स्कोर 6 है, इससे पहले वेस्टइंडीज में पोर्ट ऑफ स्पेन में वेस्टइंडीज के खिलाफ जब हमने 400 रन का ज्यादा का स्कोर चेस किया था, उसके बाद हमने चेन्नई में 376 के करीब रन चेस किए थे, उस मुकाबले में तेंदुलकर ने शतक जड़ा था और वीरेंद्र सहवाग ने जिस तरह से शुरुआत दी थी, तो 2008 की बात है, वो चेन्नई का मुकाबला टेस्ट मैच था, वो जीता हमने इंग्लैंड के खिलाफ था 376 रन। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की सरजमी पर आप ब्रिस्बेन में कर रहे हैं, जहां पे असीमित उछाल है, कभी गेंद बहुत ज्यादा उछल जाती है, कभी गेंद उछलती नहीं है, कभी नीचे चली जाती है, आपने देखा होगा किस तरह से पैट कमिंस ने गेंदबाजी की थी, तो चेतेश्वर पुजारा को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा था, लेकिन उसके बावजूद चेतेश्वर पुजारा डटे रहे और कहीं ना कहीं इसकी जरूरत थी, दरकार थी, अगर उस समय कहीं चेतेश्वर पुजारा का कॉन्सेंट्रेशन लूज हो जाता तो हो सकता था कि भारत मुश्किल में पड़ जाती। हालांकि जब रहाणे आए और रहाणे ने जल्दी अपना विकेट गंवा दिया, हालांकि वो आक्रामक खेल रहे थे, उन्होंने 6 भी जड़ा था, तो लग रहा था कि रहाणे भी उसी फॉर्म में कि मैच को जिताने के लिए वो आए, लेकिन जब उन्होंने विकेट गंवाया तो लगा कि हो सकता है कि अब इस मैच में टीम इंडिया मुश्किलात में पड़ सकती है। लेकिन उसके बाद पंत जब आए, शुरुआत में उनका उस तरह से मतलब लय हासिल नहीं कर पाए थे, लेकिन जैसे जैसे उन्होंने गेंदें खेली और जो मौके मिले उसको उन्होंने भुनाया, उसके बाद जिस तरह से अपनी पारी को आगे बढ़ाया, बिल्कुल पंत को, पंत की बल्लेबाजी की इस मुकाबले में और जो पिछले मुकाबले में, या ओवरऑल आप सीरीज की बात कर ले, जिस तरह से उनको लग रहा था कि अब अगर वो कुछ मैचेस में और परफॉर्मेंस नहीं कर पाए तो हो सकता है कि वो टेस्ट में उन मुकाबलों में जो है हो सकता है वो टीम इंडिया से बाहर भी कर दिया जाए, लेकिन जिस तरह से इस ऑस्ट्रेलिया दौरे पर पंत ने अपने खेल को दिखाया है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी जगह को पूरी तरह से पक्का कर लिया है। और अब जिस तरह से अब भारत का आज ही इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होनी है उसके लिए भी टीम इंडिया का ऐलान होना है, तो कहीं ना कहीं उनका तो जगह उन्होंने अपनी पक्की कर ली है। वहीं कुछ और ऐसे खिलाड़ी भी हैं जिन पर नजर रहेगी, लेकिन कहीं ना कहीं ओवरऑल इस मैच की आप बात करें, जिस मैच को जीत करके भारत ने 2-1 से टेस्ट सीरीज अपने नाम की है, तो कहीं ना कहीं इसमें आप देखेंगे जी कहा ये भी जा रहा है कि इस वक्त टीम इंडिया जो है वो उतनी अनुभवी नहीं है, कुल मिलाकर अगर इस तरीके से भी कह लीजिए जितने भी अनुभवी प्लेयर्स हैं वो चोटिल हैं, तो ऐसे में कितना मुश्किल ये टास्क रहा होगा टीम इंडिया के लिए, और फिर भी उसके बाद भी कितनी अच्छी तरीके से प्रदर्शन किया और टीम इंडिया ने जीत हासिल की, इसे किस तरीके से डिफाइन किया जाएगा शोभित? देखिए बुशरा, आपको मैं बता दूं कि जिस तरह से एक ओपनिंग प्लेयर की जरूरत होती है, ओपनिंग प्लेयर जो होता है वो जिस तरह से खेलता है वो टीम इंडिया के पास नहीं था। रोहित शर्मा वापस आए थे, शुरुआत के उन्होंने 2 मैच नहीं खेले, उसके बाद वो जब आए उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की, तो कहीं ना कहीं उस तरह से वो उस लय में नजर नहीं आए। और दूसरी तरफ एक नए खिलाड़ी थे शुभमन गिल, जो जिनको टीम इंडिया में मौका मिला, चोट से जो लोग खिलाड़ी जूझ रहे थे, जिस तरह से मयंक अग्रवाल को बीच में ड्रॉप कर दिया गया, मयंक अग्रवाल की जगह लेके आया गया, उसके बाद रवीन जडेजा नहीं खेले तो उसके बाद उनको
फिर उनकी जगह आप मयंक अग्रवाल को वापस इंसर्ट किया, लेकिन मयंक अग्रवाल का उस तरह से खेल नहीं दिखा। लेकिन कहीं ना कहीं आप देखेंगे कि ये टीम इंडिया बिल्कुल नई टीम इंडिया है, यहाँ पर युवा जो है खेलना जानते हैं, और ना सिर्फ खेलना जानते हैं बल्कि टीम को जिताना भी जानते हैं, उनमें क्षमता है। कहीं ना कहीं विराट कोहली जब बाहर गए थे तो लगा था कि हो सकता है कि अब टेस्ट सीरीज में कुछ ज्यादा बचा नहीं है भारत के लिए, अब और फिर बुमराह का जिस तरह से बाहर हो गए, शमी चोटिल हो गए, उसके बाद बुमराह चोटिल और रविंद्र जडेजा आर अश्विन, तो जिस तरह से एक के बाद एक जो इंजरीज हुई, उसके बाद हनुमा बिहारी जिन्होंने पिछले टेस्ट मैच में टीम इंडिया के लिए ड्रॉ करवाया, उन्होंने जिस तरह से खेल दिखाया। शुरुआती मैच की अगर बात कर ली जाए तो शुरुआती दौर में मैच को देख करके ये लग रहा था कि टीम इंडिया मैच को ड्रॉ करने के लिए खेल रही है, लेकिन ऐसा कौन सा क्षण आया जब ये लगने लगा कि अब बारी आ चुकी है भारतीय टीम को इस मैच को जीतने को लेकर के? देखिए जिस तरह से मैच शुरू हुआ था, आज आपको बताया कि 18 रन पे जब रोहित शर्मा आउट हुए थे, पवेलियन लौटे थे, तो उसके बाद कहीं ना कहीं टीम इंडिया के दिमाग में, जो खिलाड़ियों के दिमाग में ये बात चल रही थी कि इस मैच में हो सकता है कि जीत बहुत मुश्किल, क्योंकि पांचवें दिन की पिच आप समझ सकते हैं कि किस तरह से हो जाती है, बहुत खेलना मुश्किल होता है, टफ होता है। लेकिन उन विपरीत परिस्थितियों में भी टीम इंडिया, खासतौर से जो गिल ने धैर्य दिखाया और जिस तरह से अपनी पारी में पेश दिखाया, तो कहीं ना कहीं जो रन रेट था शुरुआत से स्लो नहीं होने दिया, कहीं ना कहीं ये दिमाग में टीम इंडिया के खिलाड़ियों की बात रही थी, अगर वो इस मैच को क्लोज लेके जाएंगे तो जीतने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। हालांकि जब रहाणे जिस समय आउट हुए थे तो उस समय तक लग रहा था कि टीम इंडिया ड्रॉ की ओर जाएगी, लेकिन पंत ने शुरुआत की मुश्किलों को पार करते हुए जिस तरह से अपनी इनिंग में जो पेस लाया, तो कहीं ना कहीं लगने लगा कि भारत ये मैच अब जीतने के लिए खेल रही है। और कहीं ना कहीं जब बॉस्टन सुंदर आए, हालांकि बीच में जब 50 रन की या 50-55 रन की दरकार थी, तो लगा था कि हो सकता है कि स्लो कर दे, मयंक अग्रवाल जब आउट होकर पवेलियन लौट गए थे तो लगा था कि हो सकता है कि अब भारत थोड़ा सा डिफेंसिव मोड में आएगी और कहीं ना कहीं ड्रॉ कराने के लिए खेलेगी, लेकिन नहीं, वॉशिंगटन सुंदर ने और पेस दिया, उनको देखा देखी पंत भी और ज्यादा फॉर्म में, मतलब अपने खेल को जगाया और फिर उस तरह से आक्रामक खेले। जी देखिए, महेंद्र सिंह धोनी के खेल से किसी की तुलना नहीं की जा सकती है, महेंद्र सिंह धोनी अपने तरीके के खिलाड़ी है, उनका अपना अलग अंदाज है, लेकिन हाँ जिस तरह से महेंद्र सिंह धोनी बतौर विकेट कीपर जो फिनिशिंग विनिंग विक्ट्री दिलाकर के हमेशा पवेलियन लौटते थे, वो काम इस बार मैच में ऋषभ पंत ने किया है, और कहीं ना कहीं उन्होंने उन आलोचकों को भी जवाब दिया है जो उनके 10 रन 12 रन 20 रन या 25 रन बड़ी पारी नहीं खेल पाते थे, अभी भी उस तरह से अपनी पारी को बहुत ज्यादा आगे ले जा नहीं पा रहे हैं, लेकिन जिस तरह से वो एक्सेलरेट कर रहे हैं, वो टीम इंडिया को ड्रॉ कराने की ओर नहीं बढ़ते, वो कहीं ना कहीं टीम इंडिया को जिताने की ओर खेलते हैं, उनके मन में एक ये सोच रहती कि नहीं उनको अपनी पारी से टीम इंडिया को जीत दिलानी है, तो कहीं ना कहीं ये वो वही पारी रही थी पिछले मैच में भी, अगर वो थोड़ा और खेल जाते तो निश्चित तौर पर वो मैच भी टीम इंडिया जीत सकती थी, लेकिन वो आउट होकर 97 रन पे, लेकिन इस बार उन्होंने जिस तरह से बल्लेबाजी की है, पूरा खेल दिखाया है, तो निश्चित रूप से उन्होंने सभी आलोचकों के मुंह पे जो है ताला जड़ दिया है, और उन्होंने बता दिया है कि वो टीम इंडिया के कितने बड़े खिलाड़ी हैं। बुशरा जी, और जैसा कि शोभित, मेरा सवाल आपसे ये भी कि 32 साल का रिकॉर्ड यहाँ पर भारतीय क्रिकेट टीम ने तोड़ दिया है, बहुत बड़ा रिकॉर्ड है ये, वाकई में अपने आप में बहुत अच्छी चीज है, लेकिन आगामी वक्त के लिए अगर देख लिया जाए, क्रिकेट भारतीय क्रिकेट टीम अपना फ्यूचर इस मुकाम को हासिल करने के बाद में जो ओहदा है वो कितना और बढ़ता हुआ दिखता नजर आ रहा है? शोभित देखिए बुशरा, जिस तरह से जो भारतीय टीम है, जो यंग ब्रिगेड है, कहीं ना कहीं उनके कंधों पर अब मतलब जिम्मेदारी आती हुई दिख रही है, क्योंकि जिस तरह से जो इंजरीज से टीम इंडिया के खिलाड़ी जूझ रहे हैं, आप देख रही होंगी कि शमी नहीं है, ईशान शर्मा नहीं है, बुमराह इस मैच से मुकाबले से बाहर हो गए, आप नटराजन को खिलाते हैं, आप जो है नवदीप सैनी को खिलाते हैं, लेकिन उस तरह से उनका परफॉर्मेंस नहीं रहता, लेकिन मिली जुली जिस तरह से आ, और खास तौर पे यहाँ पे एक खिलाड़ी को आपको नहीं भूलना चाहिए, मोहम्मद सिराज ने इस पूरे टेस्ट में जब वो आए, उन्होंने इस टीम इंडिया को ज्वाइन किया, टेस्ट में मुकाबला खेला, तो लगा नहीं कि उनमें कोई अनुभव की कमी हो, उन्होंने जिस तरह से गेंदबाजी की इस बार, उन्होंने इस टेस्ट की जो ऑस्ट्रेलिया को जो दूसरी पारी जो ऑल आउट हुई, तो उसमें सबसे अहम रोल मोहम्मद सिराज का रहा, मोहम्मद सिराज ने 5 विकेट झटके दूसरी पारी में, तो कहीं ना कहीं वो भी आप उसको टर्निंग पॉइंट मान सकते हैं, अगर यही
40 से 50 रन और जुड़ जाते तो हो सकता है टीम इंडिया ये मैच जीतती नहीं, ड्रॉ होता, या हो सकता है कुछ और भी रिजल्ट हो सकता था। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से जो भारतीय गेंदबाजों ने, युवा गेंदबाज मोहम्मद सिराज की आप बात कर लीजिए, आप शार्दुल ठाकुर की गेम को नहीं भूल सकते, उन्होंने 4 विकेट चटकाए, और जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया की पारी को ऑल आउट किया, ऐसा बहुत कम मौकों पर देखने को मिलता है बुशरा कि ऑस्ट्रेलिया पहली इनिंग में भी ऑल आउट हो जाए और दूसरी इनिंग में भी ऑल आउट हो जाए। तो कहीं ना कहीं भारतीय गेंदबाजों की भी आपको तारीफ करनी पड़ेगी, और खासतौर से जो युवा गेंदबाज है, यहाँ पे अनुभवी गेंदबाज नहीं थे हमारे पास, और युवा गेंदबाजों के कंधों पर दारोमदार था, तो उन्होंने दारोमदार को पूरी तरह से निभाया है, और जिस तरह से गेंदबाजी की है, उन्होंने बता दिया है कि वो युवा जरूर है, वो नए जरूर है, लेकिन उनमें दमखम की कोई कमी नहीं है, उनमें काबिलियत है कि वो सामने वाली टीम के बल्लेबाजों को किस तरह से पवेलियन का रास्ता दिखा सकते हैं, और वो काम बखूबी इस बार शार्दुल ठाकुर ने किया, वो काम इस बार मोहम्मद सिराज ने किया, तो इन दोनों खिलाड़ियों की भी आपको तारीफ करनी ही होगी। बिल्कुल, और शोभित आगामी वक्त के लिए देख लिया जाए, ये कहना कितना सही होगा कि वॉशिंगटन आने वाले वक्त में ऑलराउंडर की कमी को पूरा कर देंगे? देखिए भारतीय टीम में ऑलराउंडर अभी देखिए जिस तरह से जडेजा खेल रहे हैं, आर अश्विन खेल रहे हैं, इन्होंने बकायदा पूरी तरह से ऑलराउंड गेम दिखाया है। आपने पिछले टेस्ट मैच में देखा होगा जिस तरह से अश्विन ने बल्लेबाजी की, उन्होंने जिस तरह से हनुमा बिहारी के साथ इनको आगे बढ़ाया और टेस्ट में ड्रॉ करा के पवेलियन लौटे। रवीन जडेजा की बल्लेबाजी को आप नहीं भूल सकते, वो जिस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, गेंदबाजी करते हैं, इस सीरीज में उन्होंने जिस तरह से विकेट झटके तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कि मुश्किल में होगा, लेकिन अब जिस तरह से टीम इंडिया जीत गई है तो कहीं ना कहीं इन खिलाड़ियों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। वॉशिंगटन सुंदर हो, चाहे वो मोहम्मद सिराज हो, चाहे वो शार्दुल ठाकुर हो, आज ही मैं आपको बता दूं भूषा कि आज ही इंग्लैंड के खिलाफ जो टेस्ट सीरीज होनी है उसके लिए, टेस्ट मैच के लिए टीम इंडिया का सिलेक्शन होना है, तो कहीं ना कहीं शुभमन गिल यहां टेस्ट मैच के लिए आए थे, उन्होंने शुरुआत की अपनी टेस्ट करियर की, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शुभमन गिल अपनी जगह पक्की करा चुके हैं, ऋषभ पंत अपनी जगह पक्की करा चुके हैं, शार्दुल ठाकुर है, मोहम्मद सिराज है, तो अब टीम इंडिया के पास ऑप्शन हो गया। निश्चित तौर पर जब सीनियर खिलाड़ी है जो फिट हो जाएंगे तो वो टीम इंडिया में रहेंगे, टीम इंडिया की ओर से आपको प्लेइंग 11 में भी खेलते नजर आएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं उनके बैक में ये खिलाड़ी रहेंगे, और फिर टीम इंडिया को चूज करना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि इसको खिलाए या इसको खिलाए, तो कहीं ना कहीं टीम इंडिया का जो भविष्य है वो काफी बेहतर नजर आ रहा है बुशरा। चाहूंगी फिलहाल तो बहुत शुक्रिया तमाम इतनी जानकारी के लिए, लेकिन देखा जाए, और एक चीज और मैं कहना चाहूंगी कि भारतीय टीम को बहुत बहुत बधाई कि बहुत अच्छा वाकई में उन्होंने प्रदर्शन किया है, लेकिन एक अंतिम सवाल आपसे शोभित मेरा यही कि अगले महीने जो इंग्लैंड के खिलाफ मैच होने वाला है, उम्मीद हम यही करते हैं कि उसमें भी इसी तरीके का प्रदर्शन भारतीय क्रिकेट टीम दिखा पाए। जब हम कहीं भी जाते हैं, आप जिस मोमेंटम के साथ खेलते हैं, अगर आप जीत के साथ कहीं आगे बढ़ते हैं तो जाहिर सी बात है वो माइंडसेट आपका अलग रहता है, आप जिस तरह से खेलते हैं, आप इस खेल को ही कंटिन्यू करेंगे तो निश्चित रूप से आपको वहां पर भी सफलता मिलेगी। लेकिन जब भी कोई नई टीम आती है, नया मैदान होता है, तो चैलेंजेस होते हैं, ये नहीं भूलना चाहिए, और कभी भी किसी भी टीम को मैं तो कहता हूं कि अगर आप बांग्लादेश के साथ भी टेस्ट खेलें या अफगानिस्तान के साथ भी टेस्ट खेलें तो आपको उसी गंभीरता के साथ खेलना होता है। लेकिन ठीक है, आप ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया की सरजमीन पर हरा के आए, 2-1 से टेस्ट जीती है, तो कहीं ना कहीं अब टीम इंडिया का जो माइंडसेट है वो अलग होगा, जो कॉन्फिडेंस लेवल है, जिस तरह से जो यंग जो बॉलर्स है, बैट्समैन है, पंत जैसे खिलाड़ी है, गिल जैसे खिलाड़ी है, मोहम्मद सिराज है, नवदीप सैनी है, जिस टीम का हिस्सा रहे, जिस तरह से उन्होंने बल्लेबाजी गेंदबाजी भारतीय टीम की, तो कहीं ना कहीं अब अलग माइंडसेट के साथ उतरेगी, और कॉन्फिडेंस लेवल जब इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलेगी तो काफी हाई होगा बुशरा। बिल्कुल, तमाम इस मैच को लेकर के दिलचस्प जानकारी देने के लिए शोभित आपको बहुत बहुत शुक्रिया। और इसी बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस जीत को लेकर के एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने अच्छे प्रदर्शन को लेकर भारतीय टीम को प्रोत्साहित भी किया है और बधाई भी दी है। और जैसा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो शुभकामनाएं नहीं दी, लेकिन इसके साथ ही मैं ये भी कहना चाहूंगी कि आगामी वक्त में जो अगले महीने इंग्लैंड के खिलाफ भारतीय क्रिकेट टीम का मैच होने वाला है उसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं भारतीय क्रिकेट टीम को।